अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट है, जो कि हमने पेल्विक बोनी स्ट्रक्चर को जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी में आज हम जो है वो मसल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बढ़ा था ये पेल्विक इनलेट है, तो ये जो है हमारे पास ये पेल्विक फ्लोर है। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर हमारे पास जो है वो कौन सी मसल्स बनाती हैं? पेल्विक फ्लोर बेसिकली हमारे पास तीन जो है चीज़ें मिल के बनाती है। हमारे पास पेल्विक डायाफ्राम, और इसके अलावा हमारे पास पेरिनियम बॉडी, पेरिनियल मेम्ब्रेन, और जो है हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच जो है वो मिलके हमारे पास पेल्विक फ्लोर बना रहा होता है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले जो है ये मसल्स देख लेते हैं जो कि बेसिकली पेल्विक डायाफ्राम बना रही है। तो पेल्विक डायाफ्राम में हमारे पास जो है वो दो तरह की मसल्स जो है वो मिलके हमारे पास पेल्विक डायाफ्राम बनाती है। एक हमारे पास होती है जो है वो कॉक्सीजल मसल होती है, और दूसरी हमारे पास लेविटर इनाई मसल होती है। अब बेसिकली हमें पता है कि लेविटर इनाई मसल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारी होती है प्यूबो कॉक्सीजल, दूसरी होती है हमारे पास इलियो कॉक्सीजल। प्यूबो कॉक्सीजल प्यूबिस से निकल कर जो है वो कॉक्सिस तक जाती है, और इलियो कॉक्सीजल इलियम से निकल के हमारे पास जो है वो इलियम से निकलकर हमारे पास जो है वो कॉक्सिस तक जाती है। अब प्यूबो कॉक्सीजस के भी तीन फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। आप एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमें ये देखें, आप अगर यहाँ पे विजिबल हो आपको, तो ये जो है हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं, और ये पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। बेसिकली जो ये एंटीरियर फाइबर्स हैं ना, ये जो है हमारे पास ये तीन तरह की हमारे पास जो है वो ओपनिंग्स होती हैं। ये हमारे पास होती है ब्लैडर या यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, ये हमारे पास इन केस ऑफ फीमेल वजाइनल ओपनिंग होती है, और इन केस ऑफ मेल जो है हमारे पास जो है वो ओपनिंग नहीं होती, और फिर लास्ट जो है वो हमारे पास एनल कैनाल की ओपनिंग होती है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स हैं, ये प्यूबिस से निकलकर हमारे पास वजाइना, अब हमें पता है ये जो हमारे पास एनल कैनाल और वजाइना के बीच में हमारे पास एक बॉडी होती है जिसको हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो एंटीरियर फाइबर्स है ये यहाँ से वजाइना के पीछे से घूम के एक स्लिंग बनाते हैं, और पेरिनियल बॉडी के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये आते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर्स एंड तक जाते हैं, और यहाँ से ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं ये हमारे पास जो है एनल कैनाल के पीछे से ये स्लिंग बनाते हैं, और जो हमारे पास ये पोस्टीरियर फाइबर्स हैं ये लास्ट जाके कॉक्सिस टेल जो होती है या कॉक्सिस बोन होती है उसकी टिप के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे हो गए लेविटर एनाई का प्यूबो कॉक्सीजल पार्ट। अब हमारे पास आता है इलियो कॉक्सीजल पार्ट। इलियो कॉक्सीजल पार्ट ये हमारे पास थोड़ा सा मिडल से निकलता है। ठीक है, और ये भी जाके हमारे पास कॉक्सिस की टिप या टेल तक जाके वहाँ तक अटैच होता है। फिर हमारे पास ये हो गए लेविटर एनाई मसल, और ये है हमारे पास ट्राइंगुलर मसल जिसको हम कॉक्सीजस मसल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल, और ये हमारे पास है ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास ऑब्टुरेटर फोरामेन पर लाइक इस तरह अटैच होती है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो ये एंटीरियर फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं। अराउंड जो है वजाइना, अगर फीमेल है तो हमारे पास स्फिंक्टर वजाइना, स्फिंक्टर और वजाइना बनाते हैं, और अगर इन केस ऑफ मेल है तो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है तो लेविटर प्रोस्टेट ही बनाते हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे पास इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो प्यूबो रेक्टलिस बनाते हैं, और जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो पेरिनल बॉडी को स्ट्रेच करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एनल कैनाल से मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो जब एनल कैनाल जो है वो एक्सपेंड हो रही होती है तो इसको जो है वो जो ये पेरिनियल बॉडी है इसको स्ट्रेच होने नहीं देते ये एंटीरियर फाइबर्स। अगर ये पेरिनियल बॉडी स्ट्रेच हो जाए जो हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ये हमने मसल्स और बोनी स्ट्रक्चर का मॉडल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको सॉफ्ट ऑर्गन्स का जो है वो मॉडल उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।